दोस्तों, जब पिछले 4 हफ्ते से भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार नीचे गिर रहा था, तब इस बात की अटकलें तेज हो गई कि भारत ने आर्थिक सुरक्षा का जो बबल बनाया था अब वो खत्म हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में कमी आना किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में कमी आने के पहले के संकेत होते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में कमजोर होने वाली है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने उन सभी लोगों को गलत साबित करते हुए पिछले 4 हफ्ते के रिकॉर्ड तोड़ कर अपने फॉरेक्स रिजर्व में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी हासिल की है, जिसने दुनिया भर के सभी देशों को हैरान कर दिया। क्योंकि जहां एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी अपने सबसे बुरे समय से गुजर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी कोई खास असर नहीं पड़ा। वहीं एक बार फिर से सभी अटकलों को तोड़ते हुए भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने 1.45 अरब डॉलर की एक काफी शानदार बढ़ोतरी हासिल की, जिसके बाद हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व 562 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये बढ़ोतरी सुनने में छोटी लग रही है, तो आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर मात्र 4.3 अरब डॉलर के ही फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं। पाकिस्तान के पास टोटल जितने फॉरेक्स रिजर्व हैं, भारत उसका 30% कुछ ही दिनों में बढ़ोतरी के तौर पर हासिल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति आज से 10 साल पहले भी कुछ खास नहीं थी। बता दें कि साल 2013 में पाकिस्तान के पास मात्र 3 अरब डॉलर के ही फॉरेक्स रिजर्व थे, जो अक्टूबर 2016 में अपने रिकॉर्ड हाई 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। पर तब से अभी तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती रही, जबकि इंडियन इकोनॉमी ने विश्व में कुछ सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में 5वां रैंक हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, बल्कि आज जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को भी कई बार नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने अभी तक एक बार भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को नेगेटिव में नहीं जाने दिया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज्यादा स्थिर और मजबूत है। इसी के साथ पिछले 4 हफ्ते से हमारे फॉरेक्स रिजर्व में लगातार हो रही गिरावट को तोड़कर भारतीय फॉरेक्स रिजर्व ने 1.45 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी हासिल की, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारे पास मौजूद फॉरेन करेंसी एसेट में देखने को मिले, जिनमें लगभग 1.18 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पर इसके बाद गोल्ड रिजर्व में 282 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भारत के रिजर्व में 8 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसी पीरियड में भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में लगभग 13 मिलियन डॉलर की गिरावट भी दर्ज की गई। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में आ रही ये मजबूती इस बात को साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी सुपर पावर बनने का दम रखता है। लेकिन इसके लिए हमें हमारी आर्थिक विकास दर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि साल 2035 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने का किताब हासिल कर ले, और इसी विकास दर के साथ हम साल 2030 खत्म होने के पहले 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए, जो इस दशक में हमारी सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि होगी। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दोनों देशों ने लंदन में बैठकर 43 अलग अलग सेशंस के दौरान बातचीत करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एक काफी बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है, जिसके बाद अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच में एक FTA साइन हो जाए, जो भारत और ब्रिटेन के संबंधों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत कर देगा और द्विपक्षीय व्यापार में एक भारी बढ़ोतरी लेकर आएगा। दरअसल, एक आधिकारिक स्टेटमेंट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात की जानकारी दी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुई 7th राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है, और इस बातचीत में दोनों देशों के अधिकारियों ने 11 अलग अलग पॉलिसी एरिया पर बातचीत की, जिसके बारे में ब्रिटिश सरकार ने डिटेल में तो बात नहीं की। लेकिन ये बात साफ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि FTA को लेकर होने वाली 8th राउंड की बातचीत अगले कुछ हफ्तों में भारत में की जाएगी। दोस्तों, आज भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर को पार कर चुका है, और अगर दोनों देश आपसी सहमति से एक संतुलित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो अगले 5 से 6 सालों में ही यही बायलेटरल ट्रेड 50 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है। बता दें कि साल 2020 में यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर अकेला हो चुका है। वहीं ऐसे में अगर FTA के जरिए ब्रिटेन को भारत का साथ मिलता है, तो ये ब्रिटिश सरकार की एक काफी बड़ी कामयाबी होगी, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के बाद एक बार फिर से स्टेबल कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।